नमस्कार, अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है, और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वो प्राचीन स्थापत्य के अंतर्गत बौद्ध स्थापत्य में एक स्थापत्य होता था विहार स्थापत्य। तो विहार के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके स्थापत्य कला के बारे में जो है हम लोग आज चर्चा जो है वह करने जा रहे हैं। तो विहार होते क्या थे, पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो देखिए, विहार जो है अगर हम लोग जो है वह बात करें तो बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत विकसित हुए, बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत विहार का विकास जो है वह होता है, और कालांतर में जैन धर्म के अंतर्गत भी विहार बनने लगे। यानी केवल जो है वह बौद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं बल्कि जैन धर्म के अंतर्गत भी विहार जो है वह की संरचना जो है वह देखने को मिलती है। संस्कृत और पाली भाषा में विहार जो शब्द होता है उसका मतलब होता है आमोद प्रमोद का स्थल, आमोद प्रमोद का स्थल। लेकिन सामान्य जो है जो संकल्पना जो है वह आती है विहार की, उस विहार का मतलब होता है एक बौद्ध मठ। बहुत ही सामान्य संकल्पना जो है हम लोग कहें तो उसे हम लोग कहते हैं बौद्ध मठ। हालांकि यह सामान्य संकल्पना इतनी सरल नहीं है, उसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए क्या है, सैद्धांतिक तौर पर विहार जो है वह शिक्षण स्थल है। उस शिक्षण स्थल में कुटी हैं, मठ हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं, इन सबको सामूहिक रूप से जो है वह एक हम लोग विहार की संरचना जो है वह कहते थे। तो दरअसल प्राचीन भारत में ऐसे विहार जो है वह शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुए। यानी जो हम लोग आज विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की संकल्पना लेकर चलते हैं, तो प्राचीन काल में ये जो विहार थे ये जो है वह उस समय शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुए। ऐसी मान्यता है कि बिहार जो राज्य है वह बिहार राज्य का नाम बिहार जो है वह इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ विहारों की बहुलता थी। यानी बहुत ही अधिक शिक्षण केंद्र थे और इसी शिक्षण केंद्र की बहुलता के कारण विहार से ही अपभ्रंश होकर बिहार राज्य का नाम जो है वह पड़ता है। इस मैप में हम लोग देखें तो कुछ प्रमुख बिहारों को जो है वह दिखाने का प्रयास किया गया है, और इसमें आप अगर गौर करके देखिए तो बिहार का क्षेत्र जो है में सर्वाधिक जो है वह विहार देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र में जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके अलावा यूपी में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, कुछ जो है वह हम गुजरात में भी देखते हैं, कुछ जो है वह उत्तर पूर्वी राज्यों में भी देखते हैं, उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी देखते हैं। इसके अलावा हम लोग उड़ीसा में जो है वह देखते हैं, कर्नाटका में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में देखते हैं, और इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो है वह विहार देखने को मिलता है, और बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है वर्तमान का उसमें भी विहार देखने को मिलता है। लेकिन सर्वाधिक संख्या कहाँ थी, तो वर्तमान के बिहार राज्य में जो है सर्वाधिक संख्या जो है वह थी। अब विहार जो है वह मैंने कहा कि हम लोग स्वीकार कर लिए हैं कि विहार का तात्पर्य एक बौद्ध मठ से है, लेकिन आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक जो है वह एक पेरीफेरी है। इस पूरी पेरीफेरी को दरअसल जो है वह हम लोग कहते हैं विहार, और विहार के अंदर जो है वह क्या है, यहाँ पर एक चैत्य बना हुआ होता था, यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ होता था, और इसके अलावा यहाँ पर एक इनर पेरीफेरी है। इस पेरीफेरी को हम लोग मठ की संज्ञा देते हैं। तो आज जो है वह जो बौद्ध मठ है उसको ही विहार मान लिया गया, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर क्या है कि एक विहार के अंदर चैत्य भी हैं और स्तूप भी हैं। अब तो मठ क्या है, मठ के अंदर जो है वह देखिए कि ये जो है वह शिक्षण केंद्र है, जहां पर शिक्षण कक्ष होता है, जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। तो बड़े बड़े जो है वह हॉल होते थे, वहीं पर प्रेइंग भी होती थी और साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी होता था। तो ये शिक्षण कक्ष, और यहाँ पर जो छोटे छोटे बॉक्स जो है वो दिख रहे हैं इसको हम लोगों ने कुटी की संज्ञा दी, ये कुटी कहलाता। तो कुटी जो है वह क्या होता था, तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे और साथ साथ जो शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते थे उनके आवास स्थल, तो उनके आवास को हम लोग कुटी कहते थे। तो इसका मतलब है कि कुटी और शिक्षण कक्ष इसको सामूहिक रूप से कहा जाए तो मठ है, और जब मठ में स्तूप और चैत्य को शामिल कर लिया जाए तो वह विहार की संरचना स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग विहार को जो है वह समझ रहे हैं कि ये विहार जो है वह है। आते हैं अब हम लोग विहार में जो है वह, इस विहार को कहा जाए तो मैंने कहा कि उच्च शिक्षा का केंद्र था, तो इसमें क्या केवल धार्मिक विषय की शिक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध दर्शन आदि नहीं, धार्मिक विषय तो दिए ही जाते थे जिसमें बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, जैन दर्शन सब कुछ शामिल था। इसके अलावा यहाँ पर राजनीति, दर्शन, गणित आदि की भी शिक्षा दी जाती थी, और यहाँ पर नामांकन के लिए जो देश विदेश से जो आते थे, और ऐसी मान्यता है कि प्राचीन भारत में 40 से अधिक देशों से जो
विद्यार्थी हैं वो आते थे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ऐसी शिक्षा, ऐसे उच्च शिक्षण केंद्रों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होता था? तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन लोगों की नियुक्ति जो है वह राज्य में अधिकारियों के रूप में हो जाती थी। यानी जैसे हम लोग जो है वह बात करते हैं कि राज्य में, प्राचीन भारत में राज्य में जो अधिकारी होते थे जिन्हें अमात्य कहा जाता था, उन अमात्यों की नियुक्ति जो है वह ऐसे विहारों के पढ़े हुए बच्चे में ही होते थी। यानी उस समय सिविल सर्विसेज के कोई एग्जामिनेशन नहीं होते थे, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए भी योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था, और जो योग्य व्यक्ति होते थे अधिकारी के रूप में, ये मंत्री नहीं होते थे, ये अधिकारी होते थे, तो ये अधिकारी के रूप में जो होते थे ऐसे ही विहारों से पढ़कर आते थे। और हम लोग जानते हैं कि नालंदा महाविहार जो आज हम लोग जानते हैं, वहाँ से अगर कोई शिक्षा ग्रहण करके कोई आता था तो उसे प्रत्येक राजा उसे अपने आप जो है वह तुरंत ही नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता था। यानी उसका जो स्टेटस था वो सबसे अधिक जो है वह अच्छा जो है वह माना जाता था उस काल में। आइए हम लोग देखें नालंदा महाविहार, यही नालंदा महाविहार है, और इस नालंदा महाविहार की आज जो है वह ये भगना अवशेष देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यह जो है वह काफ़ी इसे जो है वह तोड़ दिया गया, यह जो है वह इसे विध्वंस कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो है वह हम लोग जो है वह देखते हैं, ये विशाखापट्टनम में जो विहार का जो है वह कुछ अवशेष बचा हुआ है, ये विशाखापट्टनम में ये विहार का अवशेष है। इसके बाद ये जो है वह विक्रमशिला जो है वह जो भागलपुर के पास जो है वह बिहार राज्य में है, उसका अवशेष जो है वह देखने को मिलता है। अब देखिए ऐसे जो विहार थे तो 40 देश से बच्चे आ रहे हैं, भारत के बच्चे हैं ही, तो इसमें क्या नामांकन बहुत सरल था? तो नामांकन सरल नहीं था। ऐसी मान्यता है कि नालंदा महाविहार में तीन चरणों की परीक्षाएं जो है वह होती थी, और तीन चरणों की परीक्षाओं के बाद जब जो है वह विद्यार्थी उसमें सफल होते थे तब जो है वह उन्हें उनमें नामांकन दिया जाता था, और जब नामांकन मिल जाता था तो शिक्षा मुफ्त होती थी, शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त दी जाती थी, लेकिन तीन चरणों में अपनी योग्यता को साबित करना पड़ता था। और पहले चरण में द्वारपाल ही दरअसल ये आपका टेस्ट ले लेते थे, द्वारपाल ही। तो एक प्रकार से जैसे आज जो है वह अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन को देखिए तो यहाँ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्क्रूटनी हो जाता है, तो उस समय द्वारपाल ही स्क्रूटनाइज कर देते थे, यानी वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ले लेते थे। तो द्वारपाल जो है वह जो टेस्ट लेते थे उसके बाद ही प्रवेश की इजाज़त थी, उसके बाद ही अंदर प्रवेश होगा, और उसके बाद वहाँ के जो शिक्षक गण हैं वो शिक्षक गण परीक्षा जो है वह लेते थे, और उन परीक्षाओं के बाद वार्तालाप के बाद निर्धारित होता था कि ये शिक्षा ग्रहण करने लायक है कि नहीं है। अब मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, तो मुफ्त शिक्षा दी जाती थी तो इसके लिए खर्च जो है वो होता था, तो धन की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो धन की प्राप्ति का जो स्रोत था वो दान था, स्रोत पूरी तरीके से दान था। यानी ये जो है वह कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, तो दान था। दान कौन कौन देते थे? तो राज्य जो है, यानी वह जिस क्षेत्र में जो है वह मौजूद हैं उस क्षेत्र के शासक वर्ग जो है वह यहाँ देते थे, इसके अलावा व्यापारी वर्ग और व्यापारी समूह भी, एक तो व्यापारी वर्ग भी देते थे, यानी कि खुद जो है वह इंडिविजुअल जो है दान देते, तो एक व्यापारिक समूह जिसे गिल्ड प्रणाली के रूप में हम लोग प्राचीन भारत में देखते हैं वो लोग भी दान देते थे, और इसके अलावा गांव भी जो है वह गांव के लोग भी जो है वह दान देते थे, गांव सामूहिक रूप से जो है वह दान देते थे। जैसे नालंदा महाविहार के बारे में भी कहा जाता है कि आसपास के गाँव जो है वह उनको उन दान जो है वह दिया करते थे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति में देखिए बिहारों में जो है वह क्या हुआ कि बिहार में धन जो है वह के स्रोत कई हो गए, और धन के स्रोत कई हो गए, इनका जीवन जो है वह बड़ा सरल था, तो ऐसी स्थिति में इनकम अधिक हो गई, एक्सपेंडिचर कम हो गई। तो एक्सपेंडिचर कम थी और इनकम अधिक थी, तो क्या हुआ कि धनों का संकेंद्रण होने लगा, और ये जो विहार थे वो इसमें धन जो है वह एकत्रित होने लगे, और जब भी कहीं धन एकत्रित होता है तो उसमें एक स्मेल आने लगता है, तो स्मेल जो है वह लुटेरों तक जरूर पहुंच जाता है। तो ये प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आज भी हो, लुटेरों तक जो है वह पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जो है वह लुटेरों तक जो है वह पहुंच गया, और जो है वह इसकी वजह से जो है वह क्या है कि 12वीं सदी में यहाँ पर जो है वह कई जो है वह मुस्लिम आक्रांता जो है वह टर्की से आते हैं जो है वह यहाँ पर अटैक करने के लिए, जिसमें एक प्रमुख नाम जो है वह बिहार के क्षेत्र में, वर्तमान बिहार राज्य के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर हुआ करता था बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो उस बख्तियार खिलजी जो है वह ने यहाँ पर जो है वो अटैक जो है वह काफ़ी किया, और उस अटैक के कारण जो है वह ये बिहार नष्ट जो है वह हो गए, उन्होंने तोड़ फोड़ जो है वह दिया, तो इससे जो है वह पूरा का पूरा बिहार नष्ट हो गया। कुछ प्रमुख बिहारों के बारे में हम लोग जानें
तो देखिए सबसे प्राचीनतम विहार जो है वह जो जाना जाता है जेतवन विहार, जिसे जो उत्तर प्रदेश में जो है वह स्थित है। इसके अलावा नासिक, नहपान, भाजा, अजंता महाराष्ट्र में जो है वह देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी, ये सब वर्तमान के बिहार राज्य के क्षेत्र में जो है वह है। अब ये अजंता विहार जो है वो गुफाओं के अंदर था, यानी जैसे नालंदा विहार जो है वह हम लोगों ने देखा खुले ओपन में था, तो हम लोग यहाँ अजंता विहार जो देखते हैं वह जो है वह क्या है, तो गुफाओं के अंदर पूरा का पूरा संरचना ही गुफा के अंदर है, तो ये उसका इनर व्यू जो है वह हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे जो विहार हैं वो विहार वर्तमान समय में भी फंक्शनल हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो फंक्शनल हैं वो मोनेस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं या मठ के रूप में जाने जाते हैं। तो बौद्ध मठ या मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, अब ये कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए कुछ कर्नाटका में है, कुछ वेस्ट बंगाल और सिक्किम के पास से वह यहाँ पर है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, कुछ उत्तराखंड, हिमाचल और जो है वह जम्मू कश्मीर, इन सभी जगह पर हम लोग मोनेस्ट्रीज जो है वह देख रहे हैं। तो ऐसे मोनेस्ट्रीज यहाँ यहाँ विकसित जो है वह दिखाई देते हैं। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें कि ऐसे मोनेस्ट्रीज वर्तमान में क्या है। तो बौद्ध विहार इतिहास की चर्चा की, वर्तमान में मोनेस्ट्रीज देखें तो ये जो है वह गोम्पा मोनेस्ट्रीज है, जो लद्दाख में जो है वह देखने को मिलता है। गोम्पा मोनेस्ट्री लद्दाख में, यह जो है वह मोनेस्ट्री रूमटेक मोनेस्ट्री है, जो गैंगटॉक में देखने को मिलता है। गैंगटॉक में जो है वह मोनेस्ट्री है, सिक्किम गैंगटॉक, वहाँ रूमटेक मोनेस्ट्री, उसका जो है वह एक व्यू है। और ये जो है वह तवांग मोनेस्ट्री है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में जो है वह इस प्रकार का दिखाई देता है। और इसमें जो कलर वगैरह की जो सज्जा की जाती थी ना, या की जाती है आज भी, ये प्राकृतिक रंग होते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल पेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि पत्तों से और फूलों से रंग बनाए जाते हैं और उनसे ही जो है वह ये सारे के सारे जो है वह कलर का डेकोरेशन जो है वह किया जाता है। और ये जो है वह लाइफ इन मोनेस्ट्री अगर देखा जाए तो जो है वह ये बौद्ध भिक्षु हैं जो इस प्रकार से जो है वह भोजन करने के पहले की जो है कुछ विधि प्रणाली है वो इस प्रकार से जो है वह देखी जाती है लाइफ इन मोनेस्ट्री। और लाइफ इन मोनेस्ट्री में अब देखिए ये जो है वह बौद्ध भिक्षु और जो बौद्ध जो है वह भिक्षु के साथ साथ जो है वह वहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले जो है वह जो विद्यार्थी हैं उन सब का समूह है और वो सामूहिक रूप से जो है वह कुछ आयोजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लाइफ जो है वह आज भी जो है वह मोनेस्ट्रीज में चलता है, जो बौद्ध मठ के रूप में आज हम लोग जानते हैं। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।